बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल अकाउंट प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। शायरे व शेख अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बीमार मिल्लत की सेहत याबी का नुस्खा तजवीज करते हुए अर्ज करते हैं, ताईन है इस दौर में अमराज मिल्लत की दवा है खून फासिक के लिए तालीम मिहन नेश्तर। यकीनन वो कौम तरक्की की मेराज हासिल करेगी जो तालीम व तालीम के महल तामीर करेगी, वो मिल्लत शामी के हम परवाज होगी जो इल्म के आशियाने बनाएगी। हाजरी ने मिल्लत क्या आका की मजहब इस्लाम एक अवा इसमे रब्बिकल लजी खलक का जरनी दर्स नहीं देता। बेशक ये किताब जुहुदल लिनास है, इकरा से आगाज कलाम करती है तो फिर एक आलिम रब्बानी का चश्मो चराग तालीम के मैदान में अपने अखबार बंद करके हमेशा के लिए निहाल होना क्यों ना पसंद करता। इन कलमात के दरीचों से अपना उन्वान कायम करता हूँ निहाल अहमद की तालीमी खिदमत। हाजरीन अज़्ज़ाम मौला उस्मान जैसे अजीम आलिम दीन के फर्जंद होने के बाई तालीम व तालीम की कुड़न दर्दमंद सीने में बरता थी। अपनी सियासी जिंदगी में दाखी मन क्या उल्टो और दौलत के हुसूल को छोड़कर आपने इस शहर के तारीखी मैदान पे शहसवार की राह हमवार की। आज शहर अजीज में जो इतनी वो तालीमी शोर भोगा है, आज जो तालीमी ताजमहल नजर आ रहे हैं, आज ये शहर जो हम दो उस वक्त को याद कीजिए जब ये शहर गदर के लूटे पीटे लोगों से आबाद हो रहा था। अव्वलीन तरजीह रोजगार का उसूल था, अपनी मशीनों से नबरत आत्मा था, मुसलसल फसादात की जद में था, हुकूमत वक्त के सामने मकहूर था, सिर्फ एंग्लो उर्दू हाई स्कूल थी। मुझे बताइए तो वो कौन था जिसने अंजुमन मौलूद तलबा के लिए राह हमवार की, जिसने बच्चों की फिक्र निहाल साहिब नहीं की थी। और वो वक्त भी याद करो जब शहर में मकानात की तामीर के लिए इंजीनियर और कलमियों वगैरह के काम के लिए शहरियान को दुश्वारियां हुआ करती थी। आज जमुई आईटीआई के बाई मुसलमानों में सिविल इंजीनियर और प्लम्बर की बड़ी तादाद मौजूद है। हाजरीन गिरामी के निहाल अहमद की तालीम खिदमत का शजर अहले शहर को भरपूर नहीं दे रहा। याद करो जब शहर में गिनती की चंद मेडिकल स्टोर्स थी, साहेब बदर का मंदिर तड़प उठा और उन्होंने फार्मेसी कॉलेज का परमिशन हासिल करके उस जमीन पर आला तालीम का लाल किला हासिल किया। आज जा बजा मेडिकल स्टोर निहाल साहेब की तालीम की खिदमत की कसीदा खानी कर रही है। और इतना ही नहीं, निहाल अहमद ने सिन्नर MIT को MBBS की मंजूरी भी दिलवाई थी क्योंकि उन्होंने ये नुस्खे की ना भाग लिया था कि बस अब वक्त का हुक्म नाटक यही है कि दुनिया में जो कुछ है तालीम ही है। हकीकत तो यही है जनाब आली, वो सादा मिजाज साइकिल सवार वजीर टेक्निकल तालीम तकल्लुफा को शाहाना जिंदगी से आरी लीडर शहर के बेरोजगार लोगों को बाबेकार रोजगार फराहम करना चाहता था, बेपढ़े लिखे लोगों को तालीम याफ्ता बनाना चाहता था। उस बेलौट हिम्मतगार यकीन ने अवार्ड्स के उसूल के लिए जिद्दोजहद
गया तो कौम का सर ऊंचा करने के लिए ना कि रिश्वतखोरी के जुर्म में। एक जमाना था जब खुसूसन अकलियती इदारों को एनसीसी की मंजूरी नहीं मिलती थी, लेकिन निहाल अहमद ने उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर नाम पाई से कहकर मालेगांव हाई स्कूल को एनसीसी की मंजूरी दिलवाई। नकलूत तालीम की स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल करने की सरकारी मंजूरी नहीं मिलती थी, लेकिन निहाल अहमद ने वजीर आला शंकर राव चौहान से कहकर मालेगांव हाई स्कूल की लड़कियों के लिए अलग स्कूल तामीर करवाया और 50,000 रुपयों के खसूसी ग्रांट भी दिलवाई। जेटी ग्रस को भी 50,000 रुपए दिलवाए। जामिया मुस्तफा की आलमियत की डिग्री को बीए की डिग्री के मसावी करवाया, क्योंकि वो कौम का नब्बा जानता था कि जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। निहाल साहब ने तो जिंदगी का सोजे जिगर भी पाया और इल्म का सोजे दिमाग भी। वो गरीबों और बेकसों के लीडर थे, इसीलिए तालीमी इदारे गरीब और पिछड़े इलाकों में कायम किए। टीएम स्कूल का मुशाहिदा कीजिए, पैराडाइज स्कूल का मुताला कीजिए। निहाल साहब की दूरबीनी और दूरंदेशी का अंदाजा हो जाएगा। आज ये शहर जो शहर उर्दू है, स्कूलों का और कॉलेजों का शहर कहता रहा है। निहाल साहब की सियासी व तालीमी खिदमत का रोशन भाव है। इन्हीं तालीमी इदारों में तालीम हासिल करके कितने ही बेकीमत बेशकीमत हो गए, कितने कदरे गौहर बने, कितने दर्रे आफ्ताब और महताब बनकर दिया बार हुए। बैरून शहर ही नहीं, बैरून ममालिक में अपनी सलाहियतों और काबिलियतों का शीश महल तामीर करने वाले स्थानीय शहर के खुश अच्छी ही तो है। ये सब बागो बहार उसी जिंदगी इंसान की काविशों और जिगर सोजियों का नतीजा है। बहार अब जो इस शहर में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। अफसोस सब अफसोस। एक उसूल पसंद तालीम दोस्त लीडर इस शहर से रुखसत हो गया। कागज कलम दवा सभी मुस्तमहिल लगे, शायद दया ने इल्म से मोहसिन चला गया। खुदाया उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। आमीन। खुदा शुक्रिया आशिफ मलिक साहब। इरफान भाई सिद्दीकी साहब की जानिब से इस बच्चे के लिए 500 रुपए का नकद इनाम आया है और इसी के साथ साथ एक और साहब की जानिब से जो है नकद इनाम जो है इस बच्चे के लिए आए हैं। फातिमा आपा की जानिब से भी 100 रुपए का इनाम जो है इस बच्चे को दिया जा रहा है। और मैं चाहूंगा मुस्तकीम डिग्निटी से जो है ये बच्चा जो है अपना इनाम आकर हासिल करे। और इरफान भाई सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी सामने चले आए। इरफान सिद्दीकी साहब आप भी जरा किताब भी दी जा रही है इस बच्चे को स्कूल की जानिब से। हाँ वो बराबर हाजी मोहम्मद मुस्तफा कॉलोनी टेलर की जानिब से भी नकद इनाम है। अधिक कश्मीरी साहब की जानिब से भी नकद इनाम है। फातिमा मैडम की जानिब से भी नकद इनाम आपका ऐलान हुआ इस बच्चे के लिए। हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक किताब भी दी जा रही है इस बच्चे को स्कूल की जानिब से। मैं
शालीन साहब और साहिदा मैडम और मुस्तकीम साहब की तवज्जो चाहूंगा। मैं आज के इस प्रोग्राम की सदर साहब को आवाज देने जा रहा हूं। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मौसूफा अंजुमन तालीम जमहूर की सदर है निहार रहमान साहब की वफात के बाद हाजरी शहर वालों को साजिदा मैडम का एहसान मंद होना चाहिए, इसलिए कि अगर मैडम चाहती तो बुलंद इकबाल को शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी को सियासत से किनारा कश करवा लेती, लेकिन उनकी दूर अंदेश निगाहें देख रही थी कि अगर उन लोगों को सियासत से हटा दिया जाए तो पुलिस की जानबदारी बढ़ेगी, लापरवाही बढ़ेगी, लूट खसूट मचेगी, मफाद परस्ती में इजाफा होगा, वादा खिलाफी होगी, शहर में मसाइल पड़ेंगे, फिरका परस्ती में इजाफा होगा, और इतना ही नहीं इनसे बढ़ करके इख्तदार और ओहदे की हिर्स और हवस रखने वाले आवाम की दौलत को सिर्फ लूटने और अपना घर भरने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने तीनों को न सिर्फ सियासत में रहने दिया बल्कि आज भी वो शान और मुस्तकीम की रहनुमाई कर रही है, खुद भी बेबाकी से शहर के मसाइल को अफसरों के सामने पेश करते हुए उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करती है। मैं इंतहाई अदब से उनको आवाज दूंगा जो कि हमारे इस प्रोग्राम की सर है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपना सदारती खुतबा पेश करें। मोहतरमा साजिदा मैडम साहब आप लोगों के सामने आज के इस प्रोग्राम में शरीक बैनुल अक्वामी शायर जनाब असद सिद्दीकी साहब जो मेरे भाई भी हैं और उम्र के 15-16 साल से मैं उन्हें जानती हूँ, जब मैं ऑल इंडिया में शायर पढ़ती थी और उन्हें जाहिर करती थी, साथ ही शाने गदगढ़ खलीरा में अंसारी साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शाकिर शेख साहब, मैनेजिंग कमेटी के लोग, तमाम अंजुमन तालीम जमहूर के असातिज़ा, मौलाना और स्टेज पर जलवा अफरोज शहरियान, आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी है। मैं गए हफ्ते भर से कई मरतबा कोशिश करने के बाद भी 2-4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा। कुछ बातें, कुछ दर्द शायद यही बांटने का मौका यहां मुझे मिला। मेरी इस किताब का जो अजरा है वो आज हो, इसके पीछे कुछ यादें हैं, कुछ दर्द हैं, कुछ तकलीफें हैं, कुछ इज्जतें हैं। शरद पाटिल साहब यहां मौजूद है जनता दल के साथ, यह 4,450 किलोमीटर से यहां तशरीफ लाए हैं। यह वो शख्स है जिन्होंने निहार रहमान साहब के शाना बशाना अपनी पार्टी के लिए काम किया। ये कई अनुमे अदारों के जरिए स्कूले चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, 2 बार MLA, 1 बार MLC रहे और ऐसे दौर ना उतना दौर में भी वो पार्टी का की सदारत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। खसूसी तौर पर इतने दूर से इस प्रोग्राम में आकर अपने साथी को कि किताब के अगले में अर्गुलंद अखबार को खराजा की पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, मैं अपनी तरह जाती तौर पर भी और अंजुमन तालीम जमहूर के कार्डमेंटर जनाब अमीर फैजी साहब, प्रिंसिपल शाहिद अख्तर साहब, तमाम असातिज़ा की तरफ से उनका खैर मकदम करते हुए शुक्रिया। अक्सर मैंने कहा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई मरहम नहीं होता। सदा प्रेम ऐ मेरे मजूर मेहरबान, अक्सर मैं कहा करती हूं ठुकरा दिया है तुमने हर एक तख्त ताज को, दीवार पर महल की खुशबू बसी हुई, दिल ढूंढता है फिर उसे खुशबू में दाज। मैं अपने शोहर को इन्हीं अल्फाज में याद किया करूं,
ये कौन जा रहा है मेरे घर को छोड़। रख दिए आसमान में आके निचोड़ के। वो फरवरी का महीना था, 22 का महीना है, मगर सिंहासन सियासत करने वाला शख्स जिसको मैं सियासत नहीं मानू, जिसको मैं सिर्फ मजबूत मानू, जो असर सदी के साथ में बात कही, मेरी आंखें इसी बात पे भर आई कि वक्त था जब पहली बार मेरी सास उससे मिली तो मेरी यह दोस्त उषा मंजीरे प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, मैं उसके घर में सेवा दल के प्रोग्राम में आया करती थी, मेरी उम्र 16-17 साल रही होगी। गौर से मुझे देखते हुए मेरी साथ देख रही थी, मेरी जो दोस्त थी वो मेरी तारीफ किए जा रही थी कि मैं क्या क्या हूँ, क्या क्या करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे सियासत में हूँ। मेरी सास ने जुमला कहा कि मेरा बेटा भी सियासत में, अल्लाह ने उसको सियासत के जरिए आवाम के खिदमत के लिए मामूर कर दिया। बहुत बड़ी बात जिसको मैंने लम्हा लम्हा महसूस किया, हर दर्द में हर बुरे वक्त में जीत हार में महसूस किया। मुझे याद है साहेब के इंतकाल से चंद दिन कम जब वो द्वारका मनी में बिस्तर पर बैठे थे, उस दिन इंकलाब में शायर की मौत की खबर छपी थी, कुछ शेर लिखे थे। उनकी आदत थी कि वो अखबार पढ़वाते थे, अखबार पढ़ने में ना लेट आता था, इसलिए मैं अखबार पढ़ के उन्हें सुना रही थी। सुनते सुनते उनको कुछ याद आया और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं कुशेर नगर की झोपड़पट्टियों बांट रहा था, जगह बांट रहा, तो मेरा एक रिश्तेदार मेरे पास आया जो बेहद गरीब था और मुझसे कहने लगे कि मुझे भी झोपड़पट्टी में जगह दे। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, निहाल अमर ये नहीं करेगा। वो बहुत नाराज हुआ और मेरे रिश्तेदार ने कहा कि कल मैं एक डिब्बा लेकर भीख मांगूंगा और तुम्हारा नाम बोलता रहूंगा कि मैं निहाल अमर का पला पला हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास आना, मैं भेज दूंगा। ये दर्द जो गरीबों का होता है,
नजरिया हमारे रहने चाहिए। क्या धोखेबाज को धोखेबाज समझे, ईमानदार को ईमानदार समझे, साथ देने वाला को साथ देने वाला समझे, उसके बाद नाप तोल का फैसला करे। ये सियासत जो अपने भाई ने याद दिलाई, मैं ऐसा मान लू बहुत बड़ी बात कह दी। वो बगैर अपना भी शायद भी है, अजीत भी है, मुकर्रम भी है। इस शहर को जिन लोगों ने शोहरत दिलवाई, मालेगांव की को लोगों से रोशनास करवाया, उसमें असर सिद्दीकी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी निजामत का भी, उनकी शायरी का भी, उनकी जो किताबें छपी उसकी शोहरत का भी। आज हम सियासत के लिए शहर तरस का फैसले ऑटो पर, खानदानों पर, रोडों पर नहीं होना चाहिए। फैसले सच्चाई पर, अच्छाई पर हो। लोग काम करें, लोग वक्त दें, यही बहुत जरूरी है। आज निहाल साहब हमारे दरमियान नहीं है, बुलंद अखबार हमारे दरमियान नहीं है। बुलंद अखबार एक ऐसा बेटा था जिसकी परवाह बर्दाई की मिसाल मैंने कहीं किताबों में नहीं पढ़ी। कई बार पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे महसूस करवाया। बाप के इंतकाल के बाद उसने जिस तरह मेरी बात को माना और सियासत पर अपना वक्त दिया, अपनी जिंदगी लगा दी, बीमारी के जमाने में उसने कभी आओ नहीं किया। वो आखिरी दिन 15 तारीख की रात में फोन करके बोल रहा था कि हम लोग बहुत सारे लोग मालेगांव शहर के ओपन स्पेस पर कब्जा हो गया है, आसमाना इसका जरूरत है। मैं इस दुनिया में यार के जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसने भी वो अपने शहर की भलाई की बात की। तो बड़ी तकलीफ होती थी उसकी बातों से, मगर उसके चहचहाने से, मुस्कुराने से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी नरमगनी से, उसकी बाहिमती से, उसके उसके हौसलों की पुख्तगी से कभी दर्द नहीं था। पूछे बगैर मुझसे वो जाता न था कभी, पूछे बगैर मुझसे वो जाता न था कभी, अब के गया तो कुछ भी बता कर ना। एक बार मैंने उसको कह दिया हाईवे पर मत जाया, न जाने क्यों कि बहुत डर लगता है। मेरा बेटा कभी हाईवे पर नहीं गया कि अल्ताफ सर बैठे ही किताब के सिलसिले मेरे पास आए, इनकी आंखें में भर आई है। बोल रहे थे मुझे कि जब मैंने उसको कहा कि चलो हाईवे पर खाना खाते तो बोला मेरी माँ से इजाजत देने दो, पर जा दो, मेरे माँ को बहुत दुख होता है मेरे हाईवे पे जाने से। मैं उम्मीद एक फरमा बरदार बेटा और हर रिश्ते को ईमानदारी इंसाफ से के साथ पूरा करने वाला बेटा जो ये शहर का मुस्तकबिल समझा जा रहा था, उसने अपनी जिंदगी में 2012 से 2017 तक जनता दल का गठ नेता होते हुए माने शहर की वाटर ग्रीज जो चोरी, जिसको वो कांग्रेस की चोरी की दुकान मानता था, उसके खिलाफ आवाज हार न उठाई, जिसने कई तजवीजें रद्द करवा दी जो गलत थी, जो हमेशा मालेगांव शहर का वो पानी जो 100 एकड़ जमीन साहब ने मुफ्त में हासिल करके ऊंचाई बढ़ाकर तलवाड़ा तालाब की हासिल की है और जिस पर आज कृपा परस्पुर की नजर है, उसके लिए वो हाउस में बोलता है, धमकियां बर्दाश्त करता रहा, दर्द और तकलीफ से गुजरता रहा, चोरियां, शॉपिंग मॉल हो, नाके हो, टैक्सेस हो, सब के खिलाफ उसकी आवाज बुलंद की आवाज हमेशा बुलंद रही। आज जहां मैंने एक बेटे को खोया, एक शोहर को खोया, वही मैंने शहर के सेहतमंद माशरे की तामीर, सेहत और सियासत की अलग बर्दाश्त करने वाले शोहर बेटे को खोया। उम्मीद करती हूं पार्टी के लोगों से, मेरे साथियों से, मेरे चाहने वालों से, निहाल अहमद साहब को अपना लीडर मानने वालों से कि वह इस शहर की बका के लिए, उसकी सालियत के लिए, उसकी अच्छाई के लिए अच्छे लोगों को ओहदों पर लाए, अच्छे लोगों को मुंतखब करें और मालेगांव शहर का बिगड़ा हुआ सिंगारा समय अपने में कारामा साबित हुआ।
क्योंकि ये शहर जिस खस्ता हाली का शिकार है, जिस नापाकी का शिकार है, जिस जुल्म सितम का शिकार है, जिस फिरका परस्ती के जरिए यहाँ 80% आबादी होने के बाद कामकाज नहीं है, जहाँ 20% आबादी वहां कामकाज होता है। ये दीवार को तोड़े और तालीम याफ्ता तबका आगे आए, वो सियासत में मुंतखब हो ना हो, वो आगे बढ़े ना बढ़े, मगर इस शहर के सालियत के लिए, इस शहर की शनाख्त जो मीनारों की है, मस्जिदों की है, अच्छाई की है, सच्चाई की है, उसके लिए अपने आप लहू दे। और जहां मुझे भी महसूस होगा कि मेरे शोहर का उसूल टूट रहा है, जहां मुझे महसूस होगा कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो मैं उस दिन सियासत से अलग हूं, क्योंकि मैंने अपने शोहर से वादा किया है कि मैं बात जमीन होकर जिंदगी भर जिंदा रहूंगी, जमीन मुझे पूछना है किसी बात पर, किसी फैसले पर मेरे साथियों के, वो मैं बर्दाश्त करूंगी। और मैं हमेशा अपने शोहर के साथ किए हुए इस वादे के साथ कि ये शहर में हम लोग मान गए, ये शहर इंसानियत का, शराफत का घरवारा रहे, यहाँ का एक एक फर्द अपने अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी का इजहार करे, कामयाब हो। इस दुआ के साथ मैं अपने आज की बात खत्म करती हूँ। सही मामले में जब सारदा मैडम अपनी तकरीर करती है और बुलंद इकबाल का जिक्र आ जाता है तो आप जज्बाती हो जाती हैं और रोना भी चाहिए, इसलिए कि शकील इब्न शरफ ने कहा था कि अब कहां वो महफिलें, वो रौनकें, वो चाहते हैं, अब कहां वो महफिलें, वो रौनकें, वो चाहते हैं, तू नहीं तो सारा मंजर बेसदा होने लगा। लेकिन अब सारदा मैडम को ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि मीर तकी मीर ने कहा था मैडम कि बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह निहाल अहमद साहब ने और बुलंद इकबाल साहब ने इस शहर के लिए, इस समाज के लिए, कौम मिल्लत के लिए इतना कुछ किया है कि शायद ही कोई उनको भुला सके। एक और शेर उनके लिए याद आ रहा है कि तुम्हारे साथ दुआओं के काफिले होंगे, अंधेरी रात में तुमने दिए जलाए और हौसला रखे, यकीनन पूरी कौम उनको हमेशा याद रखेगी। हाजरी ये था सदारत खुतबा। आइए शुक्रिया की जानी इस प्रोग्राम की आखिरी रस्म, इससे पहले कि मैं हमारे सुपरवाइजर साहब को आवाज दूं, मैं इस बात का ऐलान कर दूं कि डॉक्टर शफीक अहमद कारपेंटर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, मसिल्ला पेश याया अब्दुल जब्बार, रईस सर, अब्दुल बाकी साहब, फातिमा मैडम, न्याल अहमद, गुफरान सेठ साहब, शाहिद सर और आरिफ पापा, अतीक कश्मीरी, इन लोगों ने जो इजाजी कीमत दे करके किताब को हासिल किया, इंशाल्लाह शुक्रिया के लेटर के साथ हम ये किताब हम तक पहुंचा देंगे और 100 रुपए की किताब भी बाहर दस्तियाब हासिल कर सकते हैं। आइए मैं आवाज देता हूँ हमारे स्कूल के सीधे साधे सुपरवाइजर मोहतरम जनाब अशफाक मिस्सी सर, मैथ्स मजमून के भाई नफी तुली बात करते हैं, उनको आवाज देता हूँ कि वो आए और शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सदर मसूफा मोहतरमा साधन काले हसन साहिबा, स्टेज पर जगह अफरोज, इल्मी अदबी सनती और सियासी शख्सियात काबिले इत्मीनान और साधे गिराम, आज बुलंद इकबाल लायन अहमद की दूसरी बरसी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वरुण की मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला को ऐसे बंदे पसंद है जो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। शेर महाराज को साथी निहाल अहमद साहब, इस किताब का इजरा हमारी स्कूल में मुनाकिद किया गया जो उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहा। इस कामयाबी पर सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद सदर मुकदमा साधन नारायण साहब का दिल की अभी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने मसरूफियात को बालाए ताक रखकर कुर्सी तदारक कबूल किया
और हमें बहुत सारी कीमती बातें बताई और इस किताब को मुकम्मल करने में पूरा काम किया। आज के प्रोग्राम को और किताब को अरेंज करने पर हेड मास्टर शाहिद अख्तर सर और कोऑर्डिनेटर फैजी मोहम्मद आमिर सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम देख रहे हैं कि स्टेज पर मेहमानाने खुदूसी बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनमें बैलून साइड से आए हुए सरद पाटिल सर भी आए हैं और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शे हम इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम राकिन अंजुमन जो इस प्रोग्राम में बन्ना से नफीस मौजूद रहे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर स्कूलों से आए हुए असातिज़ा किराम और उनके साथ तलबो तलबात जिन्होंने तकारीर को तैयार किए और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पेश किए, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि साबिक असातिज़ा किराम ये लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद है, इनको देखकर मैं खुशी का इजहार करता हूँ और इस प्रोग्राम में आने पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद करेंगे जमुना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में तमाम असातिज़ा किराम, चिराग पुरी प्राइमरी स्कूल के तमाम मालूमात और डीएम हाई स्कूल के तमाम असातिज़ा किराम, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुपरवाइजर एजाज सिद्दीकी सर और अल्ताफ महदूद सर, इन्होंने इस किताब को जो है तैयार करने में दिन और रात एक कर दिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में पीटीए के भी इमरान नाम मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में एक बार फिर से जुमला स्टाफ प्रिंसिपल स्टाफ जमुना जूनियर कॉलेज और अराकिन अंजुमन की जानिब से तमाम हाजिरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मोहतरम हाजरीन, अगर इस प्रोग्राम में रिजवान रब्बानी सर और मुजम्मिल लिकेटी साहब का शुक्रिया अदा ना करें तो ये नाम नासिब होगा, मुनासिब नहीं होगा। इसके लिए रिजवान रब्बानी सर अभी इसकी एडिटिंग करके इंशाल्लाह पूरे मुल्क में फैलाने वाले हैं, उन्होंने इस बात का वादा किया है। और हमारे मुजम्मिल लिकेटी साहब मुनासदार बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं, हमारी इन बातों को आवाम खास तक पहुँचाने में वो भरपूर काम देते हैं, इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है और प्रोग्राम के खत्म होने का ऐलान किया जाता है। मेहमान से गुजारिश है कि ऑफिस में हाँ माशाल्लाह रशीद सेठ साहब की जानिब से भी एजाजी कीमत में स्कूल की ये किताब खरीदी गई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऑफिस में तशरीफ ले चले, तमाम ही मेहमान से गुजारिश है। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।